देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुलकर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बचना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं। और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहां पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। जांच टीम वहां पहुंच रही है सर, किस तरीके से देखते हैं सर, जिस तरीके से युद्ध स्तर पर आपकी तरफ से और सेंटर की तरफ से पूरी वो की जा रही है सर? नहीं, हम सब लोग जो जोशीमठ वासियों के साथ हैं और जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सभी को सुरक्षित रखा जाए, सभी की जानमाल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है।